जी नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण आपके चैनल पुरातन विज्ञान पर फिर से प्रस्तुत हूँ। एक बहुत शानदार सवाल है कि हु इज योर लाइफ पार्टनर। कोई आपसे पूछे कि हु इज योर लाइफ पार्टनर, एक साधारण सा इस प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर कभी आप सोच के देखिए कि क्या मेरी माँ है मेरा लाइफ पार्टनर, मेरे पिताजी हैं, क्या मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, कौन है जो हमारा लाइफ पार्टनर है। तो जब आप गौर से सोचिएगा तो आपको लगेगा इनमें से कोई भी हमारा लाइफ पार्टनर न है न हो सकता है। हमारा जो वास्तविक लाइफ पार्टनर है, अगर आप हम ध्यान से सोचे तो वो हमारा शरीर है। हमारा शरीर ही हमारा लाइफ पार्टनर है। जब हम जन्म लेते हैं और जब हमारी मृत्यु होती है, तो जन्म से मृत्यु तक ये शरीर ही है जो हमारा साथ देता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा शरीर ही हमारा लाइफ पार्टनर है। अतः हम जो कुछ भी करते हैं, ये हमारी जवाबदेही बनती है कि हम शरीर के लिए कुछ करें, बेहतर करें, क्योंकि ये हमारा लाइफ पार्टनर है। जितना हम इस शरीर का ख्याल रखेंगे, जितनी इसका हम केयर करेंगे, ये शरीर भी हमारा उतना ही केयर करेगा। अगर एक बार हमारा शरीर रिस्पॉन्ड करना अगर छोड़ देता है, तो आप देखिएगा कि आपके सारे जो अपने हैं वो आपका साथ धीरे धीरे छोड़ने लगेंगे। इसलिए ये शरीर ही है जो आपके साथ है और सही रिस्पॉन्स पर सही काम करता है। इसीलिए जब भी हम कुछ करें तो ये सोच के करें कि हम अपने इस शरीर के साथ क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। आप ध्यान से सोचिएगा कि हमारा परमानेंट एड्रेस क्या है, हमारा अस्थाई पता क्या है। तो हमारा अस्थाई पता भी यही शरीर है। ये शरीर ही हमारा अस्थाई पता है। इसलिए ये हमारा एक एसेट है, हमारी लायबिलिटी है और हमारी जवाबदेही भी है। इसीलिए जितना हो सके हम इसका केयर करें, यही हमारा रियल लाइफ पार्टनर है। इसीलिए हमेशा फिट रहने का कोशिश करें, स्वस्थ रहने का कोशिश करें और अपने दोस्तों को भी ये बात समझाने की कोशिश करें कि मैं तुम्हारा लाइफ पार्टनर नहीं हो सकता हूँ, आपका शरीर ही आपका जीवन साथी है। इसलिए प्राणायाम करें फॉर गुड लंग्स, मेडिटेशन करें फॉर माइंड, योगा करें फॉर बॉडी, वॉकिंग करें फॉर हार्ट, गुड फूड फॉर ए गुड इंटेस्टाइन एंड गुड थॉट फॉर द गुड सोल एंड द गुड कर्मा फॉर दिस वर्ल्ड। जिस दुनिया में हम रहते हैं इसके लिए हम अच्छे कर्म करें। तो एक छोटी सी चिंतन, आज का चिंतन शायद आपको अच्छा लगे। धन्यवाद, नमस्कार।